शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कयामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी कयामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहां हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि कयामत बरपा हो। और अगर कयामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम अन करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम आइन सीन काफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरा है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो, और उन्हें कयामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोजख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है, उस जैसी तो कोई चीज नहीं, और वो सुनता है देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं, वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ऐ नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता,
और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। तो ऐ नबी, इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस और तकरार नहीं, अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल और इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद कयामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी कयामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो, जो लोग कयामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिस्क देता है और वो जोरावर है गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा ना होगा। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, और अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे, वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है, यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए, और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मेह बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज है, लायके हमदो सना है। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाकई होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे, अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाए। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सों को मुआफ भी कर दे, और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है, यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं
और अपने काम आपस के मशवरे से करती हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं, और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं, यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा, और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोजख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है, और तुम उनको देखोगे कि दोजख के सामने लाए जाएंगे जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे, और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला, देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे, और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो, उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाय पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के आमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुकरा है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है, वो तो जानने वाला है कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे, बेशक वो बुलंदो बरतर है हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है, तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं, और बेशक ऐ नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो, और ये बड़ी किताब यानी लौह महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ से ये किताब नसीहत मोड़ कर इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते? और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी उनके पास आता था तो वो उससे जरूर तमस्कुर करते थे, तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया, और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि इनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया फिर हमने उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया, इसी तरह तुम जमीन से निकाले जाओगे, और वही है जिसने सब चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने इसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत नहीं थी कि इसको बस में कर लेते,
और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए, हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। क्या वो हस्ती जो जेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और इन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया, क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुरस की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते, इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों? बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं, और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के, तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूं, हां जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा, और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें, बात यह है कि मैं इन कुफार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा, और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के, और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया, क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है, और अगर यह ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते, और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहां परहेजगारों के लिए है। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं, यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है, और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें यह बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में भी शरीक हो, तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो, और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो? फिर ऐ पैगंबर अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम इन पर काबू रखते हैं, बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर मजबूती से जमे रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है, और लोगों तुमसे जरूर अनकरीब पुरसिश होगी, और ऐ नबी जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए, और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूं, फिर जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए
तो वो उन निशानियों पर हंसने लगे, और जो निशानी हम उनको दिखाते वो पहली से बड़ी होती थी, और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि बाज आए, और कहने लगे कि ऐ जादूगर, उस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर, बेशक हम हिदायत याब होंगे। सो जब हमने उनसे अजाब दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे, और फिरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ऐ कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है, और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं है? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूं, तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या यह होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया और उन लोगों ने उसकी बात मान ली, बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको डुबो कर छोड़ा, सो उनको गए गुजरे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, यानी ईसा? उन्होंने जो उन ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने को। हकीकत यह है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू, वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया, और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते, और वो यानी ईसा कयामत की निशानी है। तो कह दो कि लोगों, इसमें शक ना करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है, और कहीं शैतान तुमको इससे रोक ना दे, वो तो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूं, नीज इसलिए कि बाज बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो तुमको समझा दूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से अलग अलग हो गए, सो जो लोग जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है, यह सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि कयामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हें ना कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फर्माबरदार बन गए उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ, उन पर सोने की तश्तरियों और प्यालों का दौर चलेगा और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा, और ऐ अहले जन्नत, तुम इसमें हमेशा रहोगे, और ये जन्नत जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो तुम्हारे आमाल का सिला है। यहां तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे, और गुनाहगार यानी कुफार हमेशा दोजख के अजाब में रहेंगे, जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे, और वो पुकारेंगे कि ऐ मालिक, ऐ दोजख के निगरान, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे। वो कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश होते रहे, क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं, क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? क्यों नहीं, सब सुनते हैं, और हमारे फरिश्ते इनके पास इनकी सब बातें लिख लेते हैं। कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूं, ये जो कुछ बयान करते हैं आसमानों और जमीन का मालिक जो अर्श का भी मालिक है उससे पाक है, तो इनको बकबक करने और खेलने दो, यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है उसको देख ले, और वही आसमानों में भी माबूद है और वही जमीन में भी माबूद है, और वो हिकमत वाला है, इल्म वाला है, और वो बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी हुकूमत है, और उसी को कयामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते,
हां जो इल्म यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकती हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कि इनको किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि अल्लाह ने, तो फिर ये कहां बहके फिरते हैं। और बसा औकात पैगंबर कहा करते हैं कि ऐ परवरदिगार ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, तो ऐ पैगंबर इनसे मुंह फेर लो और सलाम कह दो, इनको अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहां से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं, तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इनको नसीहत कहां मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो हमारे अहकाम खोल कर बयान कर देते थे। फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है, हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कदर पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, और अल्लाह के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूं, और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं, और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताकुब करेंगे, और समंदर से के ठहरा हुआ होगा पार हो जाना, तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे, इसी तरह हुआ, और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया। फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई, और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी यानी फिरौन से, बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था, और हमने बनी इसराइल को अहले आलम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था और उनको ऐसी निशानियां दी थीं जिनमें खुली आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं, बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर ला। भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं, हमने उन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनाहगार थे। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया, उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे, बेशक वही गालिब है बड़ा मेहरबान है। बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा, वो थूहर पेटों में इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी खोलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था, ये वही दोजख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, वहां इस तरह का हाल होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे,
وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، دانا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتی ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے،
फिर तुमको कयामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज कयामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी, जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा, यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि कयामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके आमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोजख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है, और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है, और वो गालिब है दाना है।